हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। मैं गुलफाम उम्मीद एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपको जैसे मालूम है कि मैं जो वीडियो लेकर के आता रहता हूँ कॉम्प्लेक्स बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट की लेकर के आता रहता हूँ, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में सबसे ज़्यादा हमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है अपने आंसर को चूज करने में बहुत समय लगता है। जैसे 2012 में नीट में क्वेश्चन मालूम किया गया था कि 50% NaOH इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से IIT 2011 के मैंने कुछ क्वेश्चन ये उठा लिए थे, हर साल एक दो साल छोड़कर क्वेश्चन मालूम किया जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, या ये कह दें एग्जामिनर का एक चहेता कॉन्सेप्ट है, और उसमें वो घुमा करके आपके क्वेश्चन मालूम करता है, ठीक है। जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको कैनिज़ारो रिएक्शन पर एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं जैसे बात कर रहा हूँ कैनिज़ारो रिएक्शन देता कौन है, आप जैसे सभी जानते हैं जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती या तो क्वेश्चन के अंदर उनका नेम दे दिया जाता है या उनके रिएजेंट, या तो आप उनके रिएजेंट याद कर लें तो वो नेमिंग रिएक्शन होती है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। इसी तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन का जो सबसे पहली बात है, जो रिएजेंट होता है कैनिज़ारो रिएक्शन का, जो बेटा रिएजेंट होता है, ठीक है, 50% बेस यानी NaOH, 50% हम उसमें NaOH लेते हैं, या ठीक है उसे ऐसा कहते हैं OH निगेटिव, या उसे ऐसा कहते हैं बेस, ये एक ही बात है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बेस इस तरीके से 50%, यानी मोस्टली एग्जामिनर अगर आपको परेशान करेगा होता तो है 50% NaOH, वो OH निगेटिव कह दे या बेस कह दे 50%, तो वहां पर आप मान लेंगे कि वो कैनिज़ारो रिएक्शन है, पहली बात। दूसरी बात बेटा क्या बोलते हैं, जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ये तो हो गया रिएजेंट, अब उसका रिएक्टेंट क्या होता है। जो रिएक्टेंट होता है वो होता है आप सभी जानते हैं एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड को चूज करने में भी बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो आज सबसे पहले जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो आपके नीट और IIT में 100% मालूम करते हैं, ठीक है, आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आप उसमें बहुत अपने आपको बेहतर फील करेंगे कि क्वेश्चन हमारा आराम से कैसे होगा, ठीक है। इसी में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है शॉर्ट ट्रिक की, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन में मैं आपको बेटा बात बता दूं, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या कह रही, कैन नोट, सबसे पहला स्टेटमेंट एक याद करने का तरीका, कैन नोट कंटेन, ठीक है, कैन नोट AR ऐसे कहते अल्फा हाइड्रोजन, कैन नोट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, कैन नोट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कंपाउंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जैसे एग्जाम्पल वो कौन से होंगे, आप जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, रिएक्टिव ग्रुप के कार्बन के बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बात खत्म, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं, जैसे आप जानते हैं फॉर्मलडिहाइड या मैथेनल HCHO, बेंजलडिहाइड या कोई भी ऐसा कंपाउंड बना दो जो कार्बन उसके बराबर वाले कार्बन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, Cl3 कह दो, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसे। ये हमारे जो मैंने आपको बताया ये एल्डिहाइड है जो अल्फा हाइड्रोजन, कैन नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कंपाउंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट ट्रिक में हमारी बात समझ में आ रही है। कैनिज़ारो रिएक्शन में पहले ये कि उसका रिएजेंट से फिर उसमें पहचानेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड कैन नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन को ही चेंज करेगा, सबसे पहली बात तो ये है शॉर्ट ट्रिक की। और बेटा दूसरी बात ये आपने नोट कर ली, ठीक है, दूसरी बात ये है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब दूसरी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें ये होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करूं, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, वो रिएक्टेंट वो कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन और एज वेल एज रिडक्शन बोथ दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं रिएक्टेंट, ठीक है, इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन, सिंपल। दूसरी इसका इंपॉर्टेंट बात यह है, दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक ये है
पहला वो डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड एल्डिहाइड, और दूसरा आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो रिएक्टेंट आप इलाइन में पढ़ चुके, ऑक्सीडेशन किसका होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, और रिडक्शन किसका होता है या तो ऑक्सीजन उसमें कम हो या उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए, आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मैं इस रिएक्शन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब हम प्योरली बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की। कैनिजारो रिएक्शन में ऐसे लेता है वो सबसे पहले HCHO क्वेश्चन, ठीक है, उसमें लेगा 50%, मैंने OH नेगेटिव कह दिया, NOH नहीं ले रहा, ठीक है। अब उसने क्या काम करा, एक बार तो करा इसका ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन, और एक बार करा उसका HCOO नेगेटिव। अगर ये NOH होता तो Na आ जाता, तो इसका तो करा बेटा इसने ऑक्सीडेशन और इसका बेटा इसने करा रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, यह है कैनिजारो रिएक्शन। हमारी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती अगर यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड होता CH3CHO, तो उसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन होते, आप जानते हो रिएक्शन देगा नहीं। तो ये हुआ आपका कैनिजारो रिएक्शन, ये है सिंपल कैनिजारो रिएक्शन। वो एग्जामिनर SCHO दिखा दे या 2SCHO दिखा दे, वो इस तरीके से आपका कंपाउंड प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो नीट में क्वेश्चन मालूम किया गया था वो सिर्फ जो छेड़ता है इस रिएक्टिव ग्रुप को छेड़ता है 50% OH, कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड में पूछी जाती है सिर्फ इस ग्रुप को, और फालतू ग्रुप से जो कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह नीट 2012 में क्वेश्चन मालूम किया गया था, उन्होंने कैनिजारो नहीं लिखा, उन्होंने कंपाउंड दे दिया और NOH 50%, तो ये तो बात डेफिनेटली पक्का कैनिजारो रिएक्शन है। अब आप देखो जो कंपाउंड है यहाँ पर इसके बराबर में अल्फा हाइड्रोजन होंगे नहीं, जब आप इसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे बेंजीन फिनाइल रिंग का। अब उसने क्या पूछा 50% NOH, तो सीधी सीधी सी बात है एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन, ठीक है। CHO का एक बार तो होगा रिडक्शन और एक बार होगा ऑक्सीडेशन, Cl को ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में OH भी आ रहे, ठीक है। अब जो ये OH आ रहे हैं तो उन्हें हम छोड़ेंगे छेड़ेंगे नहीं, Cl देखो यहाँ पर CH2H, एक बार तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन और एक बार हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर देखो ये दो हो गए, यहाँ पर कार्बन एक है, तो इसका जो आंसर होगा आप जब देखेंगे एक बार इसका रिडक्शन ये रहा और एक बार इसका ऑक्सीडेशन, टिक कर देंगे आप इस तरीके से, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका ID 2011 में मालूम किया गया था कि CCl3CHO was subjected to Cannizzaro reaction by using NOH, बस वैसी लेंथ बढ़ा दी क्वेश्चन में। द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्स सो क्लोरो एसिटेट एंड अनदर कंपाउंड इज, यानी एक बार तो ट्राइक्लोरो एसिटेट बना दिया, सो ट्राइक्लोरो एसिटेट, क्लोरो निकल गया था, सो ट्राइक्लोरो एसिटेट। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ CCl3CHO की, ये आपका ये रहा CCl3CHO 50% NaOH, ठीक है 50% जब NOH तो इसका क्या बनेगा CCl3COO Na प्लस CCl3CH2OH, ठीक है। उसने यहां पे से तो कह दिया ट्राइक्लोरोएसिटेट, ट्राइक्लोरोएसिटेट तो ये बन गया, ठीक है। NOH का था एसिटेट तो सोडियम एसिटेट कह दे, तो ट्राइक्लोरोएसिटेट तो ये बन गया जो CCl3CH2OH है। अब उसमें देखो इसका नाम क्या है, अगर आप देखते क्लोरोफॉर्म तो ये तो बना था क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये तो बनने का ही नहीं। 2-2-2 ट्राइक्लोरो प्रोपेनोल, प्रोपेनोल से मतलब यहाँ पे तीन कार्बन है, यहाँ पर तो कार्बन ही दो है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोलता हूँ तो CCl CL CL CH H और OH, तो दो कार्बन है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ट्राइक्लोरो मैथेनोल, ट्राइक्लोरो एक कार्बन लेकिन हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनेगा 1-2-2-2-2 ट्राइक्लोरो एथेनोल, एथेनोल यानी दो कार्बन ओल, इसका आंसर जाएगा बेटा ये। बात समझ में आ रही है, इसका आंसर जाएगा ये। सिर्फ हम क्या देखते थे यहाँ पर, सिर्फ हमें CHO का एक बार रिडक्शन करना है और एक बार ऑक्सीडेशन करना, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। लेकिन ये था हमारा सेम कैनिजारो। एग्जामिनर थॉट के हिसाब से अगर आने वाले दिनों में एग्जामिनर क्या मालूम कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये है आपका CHO, ठीक है। एथेन 1-2-ol बोलते हैं इसे, एथेन 1-2-diol बोलेंगे अल, ठीक है। तो ये है, एक बार अगर उसने ले लिया 50% NaOH या उन्होंने ये कह दिया कि कैनिजारो रिएक्शन करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे CH2OH और COONA। तो ये हुआ इंटरनल कैनिजारो, इंटरनल कैनिजारो। बात समझ में आ गई, ये आगे मालूम कर सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपसे आगे मालूम कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लें जो एग्जामिनर थॉट है, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो से मतलब ये है, एक बार उन्होंने क्या काम करा SCHO ले लिया और एक बार ले लिया उन्होंने बेंजल्डिहाइड। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन आपसे सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक याद करें
छोटे वाले का ऑक्सीडेशन और बड़े वाले का रिडक्शन होगा। बस आप ये बात याद कर लें, यानी जो छोटा मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन आप इस तरीके से भी याद कर ले अल्फाबेटिकली, ओ पहले आता है और आर बाद में आता है अल्फाबेटिकली। तो छोटे वाले का ऑक्सीडेशन, बड़े वाले का रिडक्शन। छोटा कंपाउंड इसमें यह है, मॉलिक्यूलर लेवल के हिसाब से छोटा वाला ही है, तो उसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन यानी एच सी ओ ओ एन ए और बड़े वाले का रिडक्शन सी एच टू एच। आपका क्वेश्चन फाइनल, ठीक है। वो अल्टरनेट में इस तरीके से दे सकता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसी आपके सामने बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आता रहूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शॉर्ट वीडियो, ठीक है। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।